मेरठ में आज दिन दहाड़े एक छोटी बच्ची स्कूल से लौट रही थी तो लोगों ने अपहरण किया, लेकिन उसे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बहुत जल्दी से अपहृत लोगों को पकड़ लिया और बच्ची को भी सकुशल बरामद कर लिया। महबूबुल हक है, मैं जूनियर इंजीनियर हूँ जल निगम में। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ, क्या रहा? मैं साइट पे था उस टाइम, होटल में खाना खा रहा था, साइट से फ्री होके खाना खा रहा था वहाँ। तभी किसी का फ़ोन आया मेरे पास कि तुम महबूब बोल रहे हो? हम बोले हाँ महबूब बोल रहे हैं। कि तुम देख लो, तुम्हारी बेटी को मैंने उठा लिया है, मैं डर गया। फिर मैं दूसरे साथी को फ़ोन दे दिया, फिर देखो क्या बात कर रहा है, कौन पागल है। तो फिर उसने ये कहा कि मैं उठा के ले जा रहा हूँ और मुझे जो है फिरौती चाहिए, और कब चाहिए, कब क्या चाहिए हमें बताऊंगा तुमको। अगर किसी को फ़ोन किए, कुछ भी किए, पुलिस वाले को बुलाए किसी को, फिर देख लेना तुम। कितनी फिरौती मांगी? फिरौती का डिमांड पूरा नहीं, एग्जैक्ट नहीं बताया। उसने कहा कि फिरौती मांगे मतलब लेंगे। फिर दोबारा फ़ोन आया कि ड्राइवर को भेजना है पैसे लेकर के, कितने भेजना, क्या भेजना, वो नहीं बताया। फिर उसके बाद मेरे पास फ़ोन नहीं आया। ये 2:15-20 के करीब है। फिर मैं SSP साहब के यहाँ भी गया, वो थे नहीं, लेकिन SSP देहात वो साहब थे, वो फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर बोला कि आप घटनास्थल पे जाइए, आपके आपको पूरा सहयोग मिलेगा पुलिस की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं आपको, आप जाइए आपकी बेटी मिल जाएगी। फिर मैं यहाँ आया तो फिर 1-1.5 घंटे बाद मेरी बेटी घर पर आ गई, हाँ सही सलामत आ गई। 4-5 बार फ़ोन करा था। पैसे मांगा, कितना पैसा? मतलब पैसा का एग्जैक्ट नहीं बताया, कहा कि पैसे चाहिए मुझे। क्या बार बार क्या कह रहा था आपसे? वही कि मतलब पैसे भिजवाओ नहीं तो ये कर देंगे, मतलब पैसे नहीं पूरा पैसे नहीं खोले, पूरे कितना कुछ खोला, कुछ भी नहीं खोला। लास्ट में बोला कि मैं ड्राइवर को मतलब भेजना पैसे लेकर के, मैं 1 घंटे बाद फ़ोन करूँगा। फिर जो है 1 घंटे के बाद उसके बाद फ़ोन आया मेरे पास। आप क्या करते हैं? मैं जूनियर इंजीनियर हूँ जल निगम में। सर, एक जय की बच्ची का दिन दहाड़े अपहरण हुआ, क्या थी पूरी घटना और क्या निकल कर आया? देखिए, आज थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर में एक जेई है महबूब, उनकी 5 साल की बच्ची है, वो स्कूल गई हुई थी। स्कूल के आने के बाद किसी व्यक्ति द्वारा उसे अपहरण करने की सूचना थी। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची तथा आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे चेकिंग कराई जा रही थी, नाकेबंदी की गई थी। कुछ देर बाद ही जो अपहरणकर्ता थे उनके द्वारा बच्ची को वापस छोड़ के भाग गए। इस पूरी इसमें 4 टीमें पुलिस की लगाई गई, CCTV फुटेज भी चेक की जा रही है और आसपास हर जगह चेकिंग कराई जा रही है, इसमें जल्दी पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, 2 घंटे तक बच्ची अपहरणकर्ताओं के चंगुल में रही, क्या इस समय पिता के पास कॉल आई कोई रंगदारी वगैरह के लिए? जी, इनके पास एक कॉल आई थी, उसमें इनके द्वारा कुछ पैसे मांगे गए थे, और तो इसकी भी जाँच की जाए, जो नंबर वगैरह उसको भी हम लोग देख रहे हैं, इसमें जाँच कर रहे हैं। सर, क्या पुलिस की सख्ती की वजह से डर का बदमाश छोड़ कर भाग गए बच्चे को? हमने तुरंत जैसे सूचना मिली तुरंत हर जगह हमने नाकाबंदी कर दी थी और चेकिंग कराई जा रही थी, और इसमें जानकारी की जा रही कौन और कैसे ले गए और कैसे मतलब बच्ची इनके पास गई, इनकी जानकारी इनको कैसे मिली, सबकी तथ्यों की सभी तथ्यों की जांच कर इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी।